नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना से लड़ाई लगातार चल रही है, लेकिन कई जगहों पर तीसरी की जगह चौथी लहर भी आ चुकी है। भारत में भी अक्टूबर में तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है और उसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। छतरपुर जिला अस्पताल में भी संसाधनों की अगर बात करें तो यहाँ तमाम संसाधन आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इंस्टॉलेशन में लेट लतीफी हो रही है। कहीं ये लेट लतीफी जिले के लिए भारी न पड़ जाए। हमारी ये खबर बता रही है कि जिला अस्पताल में दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर से निपटने के लिए संसाधनों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन इनके इंस्टॉलेशन में हो रही देरी घातक साबित हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिले भर में सैकड़ों लोग संक्रमित हुए थे। तब गंभीर स्थिति में पहुंचे लोगों को बचाने के लिए जिला अस्पताल के पास कुल 6 वेंटिलेटर थे। अब जिला अस्पताल में 12 वेंटिलेटर मौजूद हैं। इनमें से 6 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के माध्यम से उपलब्ध हुए हैं। अस्पताल में मौजूद इन 12 वेंटिलेटर में से फिलहाल 5 वेंटिलेटर ही चल रहे हैं। इनमें से एक भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया था। एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है, जबकि 3 अन्य वेंटिलेटर को आईसीयू वार्ड, एसएनसीयू और सेकंड फ्लोर पर बनाए जा रहे 30 बिस्तर के बच्चों के आईसीयू वार्ड में लगाया गया है। पीएम केयर के माध्यम से मिले 6 वेंटिलेटर में से 5 वेंटिलेटर इंस्टॉल होने बाकी हैं। ये वेंटिलेटर अप्रैल और मई के महीने में प्राप्त हो गए थे, लेकिन अभी तक स्थापित नहीं हो पाए हैं। पिछले महीने संबंधित कंपनी के द्वारा आकर इनकी स्थापना के संबंध में रिपोर्ट ली गई थी, लेकिन फिर भी इनका इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया। जिला अस्पताल में गंभीर रूप से संक्रमित होने वाले कोरोना मरीज को तेज दबाव की ऑक्सीजन देने के लिए जिस बाईपैप मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी संख्या दूसरी लहर के दौरान सिर्फ 2 थी, अब 4 बाईपैप मौजूद हैं। इस तरह हाई फ्लो नोजल ऑक्सीजन भी 2 से बढ़कर 4 हो चुके हैं। हालांकि नई मशीनों की स्थापना होना अभी बाकी है। उधर जिला अस्पताल में सीपैप की मौजूदगी दूसरी लहर के दौरान भी नहीं थी। जिला प्रशासन ने राज्य शासन को सीपैप की मांग से संबंधित प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सरकार ने फिलहाल यह उपलब्ध नहीं कराया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा मौतें ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई थी। यदि तीसरी लहर में भी लोगों को ऑक्सीजन बिस्तरों की जरूरत पड़ी तो जिला अस्पताल के पास अब पहले से 2 गुने बिस्तर होंगे। दूसरी लहर के दौरान जिला अस्पताल के पास 73 ऑक्सीजन बिस्तर और 39 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद थे, जबकि अब 142 ऑक्सीजन बिस्तर और 61 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद हैं। जिला अस्पताल में अब बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पहले आइसोलेशन वार्ड में 110, कोविड आईसीयू में 10 बिस्तर मौजूद थे, जबकि अब आइसोलेशन वार्ड में 130 बिस्तर, कोविड आईसीयू में 10 बिस्तर सहित बच्चों के लिए बनाए गए आईसीयू में 30 बिस्तर मौजूद हैं। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन के जो पॉइंट्स थे 73 थे, जिसमें 61 पॉइंट्स आइसोलेशन वार्ड में थे और कोविड आईसीयू में 12 पॉइंट्स दिए गए थे। लेकिन अब हमारे पास ऑक्सीजन के पॉइंट 142 बढ़ा लिए हैं, जिसमें आइसोलेशन वार्ड के लिए 115, कोविड आईसीयू के लिए 12 और पीडियाट्रिक्स वार्ड के लिए 15। तीसरी लहर बच्चों पर असर डाल सकती है और बच्चों को इस बीमारी से बचाना स्वास्थ्य विभाग के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। इसी बात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों के इलाज के लिए स्टाफ को अलग तरह से प्रशिक्षित किया गया है। छतरपुर के जिला अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए 7 शिशु रोग विशेषज्ञों और 12 स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण ले चुके डॉक्टर्स में डॉक्टर लखन तिवारी, डॉक्टर राजेश जैन, संगीता चौबे, आर के वर्मा, मुकेश प्रजापति, डॉक्टर अभय सिंह और डॉक्टर अभिषेक यादव शामिल हैं।